सांप कभी गर्भवती स्त्री को क्यों नहीं काटता? दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि प्रकृति ने सांप को कुछ ऐसी विशेष इंद्रियां प्रदान की है जिससे कि वो बड़ी आसानी से ये पता लगा लेता है कि कोई महिला गर्भवती है या नहीं, क्योंकि गर्भधारण के बाद स्त्री के शरीर में कुछ ऐसे तत्वों का निर्माण होता है जो कि सांपों के द्वारा पहचाने जा सकते हैं। लेकिन यदि हम ये मान भी लें कि सांप को एक महिला के गर्भवती होने का पता चल जाता है तो फिर सांप उसे काटता क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इससे जुड़ी एक कथा बताई गई है। दरअसल एक बार की बात है, शिवालय में गर्भवती बाछल शिव भक्ति में मंत्र मुक्त हो तपस्या में लीन थी। तभी उसे दो नागों ने आकर बिना किसी कारण के ही परेशान और दुखी करना शुरू कर दिया। तब उस गर्भ में मौजूद शिशु ने पूरे नाग वंश को श्राप दे डाला कि आज के बाद कोई भी नाग नागिन या सर्प सर्पिणी गर्भवती महिला को देखते ही अंधे हो जाएंगे। बस तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि कोई भी नाग नागिन गर्भवती स्त्री को देखते ही दृष्टिहीन हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि यही शिशु आगे चलकर श्री गोगाजी देव, श्री तेजाजी देव, कुंवर बाबा, जहरवीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके अनेकों मंदिर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो उसका ये भी कहना है कि गर्भधारण के बाद स्त्री में कुछ ऐसे तत्व का निर्माण होता है जो कि गर्भवती को खास ऑरा देता है, जिसकी वजह से ही उस दौरान एक स्त्री के रंग, रुचि और भाव में बदलाव आता है और शायद सांप भी इन बदलावों को भाप लेता है, इसलिए वो एक गर्भवती स्त्री को नहीं काटता। लेकिन उसके पुख्ता सबूत आज भी नहीं मिल पाए हैं। रही बात धार्मिक कारणों की, तो धार्मिक पुराण में भी ऐसे किसी तथ्य की पुष्टि करने में असमर्थ है कि आखिर क्यों एक सांप गर्भवती स्त्री को नहीं काटता। इसीलिए इसे एक अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसीलिए हर गर्भवती स्त्री को आगाह करने की जरूरत है कि अगर वो किसी भी सांप के संपर्क में आती भी है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। लेकिन एक बात का भी ध्यान जरूर रखें कि कभी भी इस दौरान भूल से भी सांपों को मारने की गलती ना करें, क्योंकि धर्म शास्त्रों में सांपों को मारना एक सर्वश्रेष्ठ पाप की श्रेणी में रखा गया है। अर्थात ये एक ऐसा महापाप है जिसे करने वाले व्यक्ति को अनेकों जन्मों तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र में ये तो कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है तो अगले जन्म में उसकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनना तय है, जिसके दुष्परिणामों से तो आप सभी पहले से वाकिफ हैं। दोस्तों, इससे जुड़ी एक धारणा के चलते गर्भवती स्त्री को स्वप्न में भी नाग दिखाई नहीं देते। दरअसल दोस्तों, बताया जाता है कि ज्यादातर सपने जो कि गर्भवती स्त्री देखती है उनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो सभी शरीर में हार्मोन के कारण हो रहे बदलावों की वजह से होता है। लेकिन गर्भवती स्त्री को कुछ सपने ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं जो कि बहुत कुछ अर्थ रखते हैं और आने वाले समय के बारे में कुछ संकेत देते हैं। जैसे कि गौतम बुद्धा का जन्म जब हुआ था तो उनकी माता को हाथी उनके ऊपर फूल चढ़ाते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा उन्हें और भी सपने आए थे। जब उन्होंने ज्योतिषियों द्वारा इसका अर्थ जानना चाहा तो उन्होंने कई भविष्यवाणियां की थी जो कि आगे चलकर बिल्कुल सत्य निकली। तो इस तरह से हम प्रेगनेंसी में सांप के देखने को बिल्कुल ही अर्थ ही नहीं समझ सकते। आपका इसके बारे में क्या विचार है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं।